दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। लखनऊ क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ है पहले बता दूं सम्राट, इधर है आयुष और ये है हिमांशु। बात ये है कि मैं अभी 3 से 4 दिन पहले था मुंबई में, तो वहाँ पे एक मैडम का मैसेज आता है मेरे पास। तो वो बताती है कि उनके पास एक मंकी का बच्चा है जो कि कुत्ते ने काट लिया, उनको मिला है। तो वो उसको रखे हुए हैं घर में, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे, मतलब जो भी होगा बात। उन्होंने कहा अगर आप इसको ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो हमने कहा ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंकीज पालना, उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ। तो और आज मंगलवार है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मंगलवार के दिन उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 7 दिन में तो उसका काफ़ी चोट ठीक हो गया होगा। उसके बाद 3 दिन बाद में जा रहा हूँ, तो काफ़ी ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं इसको लेके आऊँगा। अगर वो रहना चाहेगा, देखते हैं, अगर वो पालतू होगा तो अभी थोड़ा इंसानों में रहेगा, नहीं तो फिर उसको रिलीज करेंगे ले जाके जंगल में। और आप सोच रहे हो कि मैंने हिमांशु क्यों लिया है, क्योंकि वो बंदर बहुत खतरनाक भी हो सकता है, काट भी सकता है, क्योंकि वो हमको नहीं पहचानता। हमारी निक्की नहीं है कि जो आके हमसे चिपक जाएगा, तो जख्मी है तो थोड़ा और गुस्से में होगा। तो मैंने हिमांशु के लिए आया स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो उनको पकड़वाऊंगा मैं अगर कुछ उसने कुछ इधर उधर किया। बहुत मजा आएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई जख्मी बंदर है, कोई भी प्रॉब्लम है मंकी, तो मुझे तुरंत मैसेज करो, मैं आऊँगा उसको देखने के लिए। मैं उसको लेके आऊँगा अपने घर पे, उसकी सेवा करूँगा। और बहुत सारे लोग बंदर रखे रहते हैं, फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। पहले तो शौक शौक में रख लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसे परेशान हो जाते हैं। बंदर पालना बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूँगा पालो ही मत, ठीक है। तो हमने जो रखा हुआ है वो ऑपरेशन कराया था हमने उसको, क्योंकि उसको चोट लगी थी, तो इसके लिए रखना पड़ा। अगर आपके पास भी कोई आसपास मंकी है या फिर जख्मी है, तो मुझे तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उसकी फ़ोटो डालो और मैं आ जाऊँगा उसको पिक करने के लिए। लोकेशन भेजा है अपना, तो हम लोग उस लोकेशन पे जा रहे हैं उनके घर पे, जहाँ से हम वो मंकी को लेंगे। बस उनके मोहल्ले में पहुँच चुके हैं, 2-3 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। भागना मत, अरे मैं आगे हूँ तुम। मालूम है क्या, तो पहले आया था तो वो पहले बड़े वाले को देखे, तो मुझे लगा ये
यार पहले जब हम लोग आए तो इसको देखे तो मुझे लगा कि ये वाला लेके जाना है, ये लोग तो गेट से भाग गए मैं तो नहीं, लेकिन उसके बाद ही मन में मैं सोचा कि नहीं अब आया हूँ तो कितना भी बड़ा हो लेके तो जाऊँगा मैं, ठीक है। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुझे छोटा वाला दिखा तो फिर मुझे लगा अच्छा ये नहीं, ये है अभी ये थोड़ा भागेगी हमसे इधर उधर, तो इसके लिए हमने इसको भी थोड़ा सा इसके गले में बांधा है। फिर थोड़ा सा ये हमसे पास में रहने लगे, इसके आँख में चोट आई है तो इसको हम ले जाएंगे डॉक्टर के पास, दिखाएंगे आँख ठीक कराएंगे अगर हो पाएगा। सो गाइस ये देखो ये कितना बढ़िया मेरे से एकदम चिपकने लगी है जैसे निक्की। अभी वीडियो बंद था तो मैं इस पर काफ़ी मेहनत किया, इसको प्यार किया, तो मुझे लगता है अगर ये घर पहुंचने तक तो 5-6 घंटे लगेंगे हम लोग को पहुंचने में। हम लोग अभी कम से कम 250 किलोमीटर दूर आए हैं इसको लेने के लिए। ये इतना प्यार दिखा रहा है, मैं तो वो सोच रहा हूँ मुझे इतना प्यार क्यों भाई मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। ऐसा लग रहा है हनुमान जी को राम भगवान मिल गए। राम भगवान भगवान नहीं है तो सुमित हो, सुमित दुबे। अभी यार हम लोग के पास हम लोग पूछ ही नहीं रहा है, कूद कूद के आप ही के पास, एकदम आपकी सेवा में लीन हो चुका है। अभी मुझे भी इसका सेवा करना पड़ेगा बहुत, और नहीं तो क्या। अभी हम लोगों ने इसको किशमिश खिलाया है और मटर था, क्योंकि हमारी निक्की जो खाती है ज्यादा मैं वो लेके आया था किशमिश के लिए, एकदम वो पागल देती है। अरे यार खा रही है यार बहुत तेज, क्या किए तुम? हाँ क्या किए तुम? हाँ क्या किए तुम? कुछ तो किए हो यार, उतार दो प्लीज छोटा सा जानवर काट लिया तो इतना दर्द हो रहा है, कुछ तो किए हो गए ना यार। अरे कुछ नहीं, कुछ उंगली उंगली किया होगा इधर उधर। भागने कोशिश करते ना और तेज काटती है। जाओ मांचू भाई के पास, बड़े अच्छे भैया हैं ये, रशियन से आए उसको सहला दो खिला दो उसको पहले। मोबाइल ले गया, यही मान से मोबाइल धीरे से नहीं लूंगा। समय पकड़ो, वीडियो पकड़ो, एक मिनट एक मिनट पकड़ो भाई, आवाज के काटे करते पसंद आ गई मोबाइल दे दो, कुछ करना नहीं मान से, हमको काटने में चाहिए बता दे रहा हूं पहली बार, हमको ना काटे तुमको काट ले, काट ले ग्राउंड में ना, मोबाइल जल्दी उठा लो, उठा लो पास में ला लो अपना दूध पिला रही है, दूध पिला रही है, अच्छी बात है वो माँ है।
भगवान है उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है, अपना जो है पिलाई है। अच्छी बात है, उन्होंने मुझे प्रसाद पूछ लो दूध लगाए मुंह में। भैया कहाँ है वो जिसने मुझे काटा था अंदर? सो रहा। अच्छा, काटने के बाद सो भी गया। खुद से उड़ा है इसने, खुद से उड़ा है। सो गाइस, अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं इलाहाबाद और ये चुंगी आ गए हैं। और बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन चला गया, सुबह से रात हो गई एकदम से। सम्राट चले गए अपने घर और बाकी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। आयुष आज हमारे घर जाएंगे और हम लोग साथ में रहेंगे आज, क्योंकि इसकी देखभाल करनी है। मतलब घर में भी कटवाएंगे आप? नहीं, नहीं। पूरी प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, नहीं। अभी देखो ये कितना प्यार से, अभी मुझे तो एकदम से इसने अपना दोस्त बना लिया है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सो हम लोगों की दोस्ती हो गई रास्ते भर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्ती हो गई। हाँ, तो आप लोगों के पास भी अगर किसी के आसपास कहीं पे भी बंदर बिल्कुल उसको हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, उसकी फोटो डालो, आप फटाक से फोटो डालो और मैं तुरंत जाऊंगा उसको लेकर आऊंगा, ठीक है? या फिर वहाँ पे कुछ उसके उसको हेल्प चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ, ठीक है? तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रही होगी, जल्दी से कॉन्टेक्ट करिएगा ज़रूर अगर मेरी कुछ ज़रूरत होगी। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बच्चा, क्या देख रहे हो बाहर? मेला देख रही हो क्या? देख मेला देख रही है।